आईपीएल 2021 दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में हमें मैच देखने को मिला। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हुए मैच को अपने नाम तो कर लिया, लेकिन ये राजस्थान रॉयल्स के फैंस आज खुश ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जो है 3 विकेट से जीत हासिल कर ले गई दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट। दिल्ली कैपिटल ने 147 रन बनाए थे जो कि थे बहुत कम, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे विकेट राजस्थान रॉयल्स के चटका दिए थे। और ऐसे में जब जैसे ही मिलर आए, मिलर ने यहाँ पर पूरी पारी पलट के रख दी। 62 रन उन्होंने बनाए 43 बॉलों के ऊपर, 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। उसके बाद में आपको बता दें दोस्तों, राहुल टेवटिया भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस मॉरिस उसके बाद में पूरा मैच खींच कर ले गए, 18 बॉल पर 36 रन उनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, 4 छक्के उन्होंने लास्ट के ओवर्स में लगाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पहला तो 20वें ओवर के अंदर उन्होंने 2 छक्के लगाए ओवर के अंदर उन्होंने 2 छक्के लगाए थे जो कि थे रबाडा को। यहाँ पर आपको बताया दोस्तों कि 20th ओवर के अंदर टॉम करन की बॉल पर यहाँ पर पहले ही 2 रन लेकर नजर आए क्रिस मॉरिस, और उसके बाद में दूसरी बॉल पर टॉम करन की क्रिस मॉरिस ने छक्का लगाया, और तीसरी बॉल पर यहाँ पर 1 भी रन नहीं लिया, और चौथी बॉल पर छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दिए। दोस्तों अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि राजस्थान रॉयल्स की जीत से आप कितना खुश हो और या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।